बिग बॉस सीजन 11 परोसी बजाएंगे 12 के सदस्यों को इस शो की पंच लाइन काफी सूट कर रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस शो के डे 1 में कुछ घर वालों के बीच किस तरह की गर्मा गर्मी देखने को मिली थी। वहीं जब नॉमिनेशन का दिन आया तो घर वालों ने इस तरके में से घर के 5 सदस्यों को नॉमिनेट किया था। वेल, आप सभी को जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि टीवी की चहेती बहू का जादू बिग बॉस के घर में फेल हो गया। जी हाँ, नॉमिनेशन की लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस हीना खान का नाम भी शामिल था। उन्हें घर के 3 सदस्यों ने नॉमिनेट किया था, लेकिन पड़ोसियों के राइट ने उन्हें बचाते हुए कहा कि वो शो को जीतने के दावेदार हैं। ऐसा करके पड़ोसियों ने बाकी दूसरे घर के सदस्यों को नॉमिनेशन के चक्रव्यूह में डाल दिया था। अंगूरी भाभी का सही पकड़े हैं भी बिग बॉस के घर में फेल हो गया। जी हां, शिल्पा शिंदे को सबसे ज्यादा 7 लोगों ने नॉमिनेट करके बिग बॉस के घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया है। बिग बॉस के घर में ज्योति कुमारी को भी इस हफ्ते 5 सदस्यों ने घर से बाहर जाने का जबरदस्त रास्ता दिखाया। वहीं सपना चौधरी ने ज्योति को नॉमिनेट करते हुए उन पर आरोप लगाया कि वो घर में किसी से भी तमीज से बात नहीं करती। साथ ही सपना की इस बात से बाकी घर वालों ने भी सहमति जताई। हसीना पारकर के दामाद जुबैर खान के खिलाफ घर के 5 सदस्यों ने वोट किया था। घर वालों का आरोप था कि जुबैर बिना वजह लोगों से झगड़ा करते हैं। वैसे तो आशिक खान का नाम भी नॉमिनेशन की लिस्ट में पहले शामिल नहीं था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस के हर सीजन में नए और दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह इस बार भी बिग बॉस शो के इस ट्विस्ट को आगे बढ़ाते हुए पड़ोसी घर के सदस्यों ने बिग बॉस से मिले वोटिंग राइट से आशिक खान को नॉमिनेट करते हुए कहा कि आशिक का बर्ताव हम लोगों के साथ सही नहीं रहता है। बंदगी कालरा को भी पड़ोसियों ने अपने राइट से उन्हें नॉमिनेट करते हुए बिग बॉस को बताया कि वो कॉमनर्स की सेलिब्रिटी हैं, लेकिन शो शुरू होने के बाद से बंदगी बहुत संभल कर खेल रही हैं। वेल, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जब बिग बॉस ने पड़ोसियों को घर वालों को नॉमिनेट करने का राइट दिया तो वो सभी इस राइट से काफी खुश नजर आए थे। फिलहाल तो हम बस घर वालों को इतना ही कहना चाहेंगे कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ कब क्या हो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वेन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।